ये है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। इसके अंदर ESGV ये सारे वेरिएंट आते हैं, और जो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के मतलब दो बच गए ना, जी और वी, ये आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ मिल जाएंगे। बाकी इसके सारे नीचे वाले वेरिएंट जो है आपको माइल्ड हाइब्रिड के साथ मिलेंगे। ये इसका आप एस वेरिएंट देख रहे हो, गुड़गांव हरियाणा में जो इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो है 14,06,000 रुपये। बाकी आप ग्रैंड विटारा का देखोगे ना, वो है 13,96,000 रुपीज़। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 10,000 का। अब उस 10,000 रुपये में आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगी, एक तो टोयोटा का लोगो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और भाई जो चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी वो है इसकी वारंटी। जो ग्रैंड विटारा के अंदर आएगी ना, वो 40,000 किलोमीटर या फिर 2 साल की वारंटी आएगी। और जो ये अर्बन क्रूज़र हाई रेटर है ना, इसके अंदर आपको 1 लाख और 3 साल की जो है गाड़ी के अंदर में वारंटी मिलेगी। आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। जो इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट मिलती है ना, वो आपको प्रोजेक्टर मिलती है येलो थ्रो के साथ में। ऊपर की तरफ में इसमें DRLs मिल जाते हैं, एज वेल एज इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि ड्यूअल फंक्शन के साथ में आते हैं। काफ़ी बढ़िया से लग रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर देखने में। इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है 210 mm का बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस। जो गाड़ी के डोर हैंडल्स आते हैं ये बॉडी कलर्ड ही आते हैं, और जो रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड एज वेल एज इस गाड़ी के टेल गेट में मिल जाएगा। जो गाड़ी के ORVMs हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और रिट्रैक्टेबल भी हैं। LED में इंडिकेटर्स भी जो इनके ऊपर मिल जाते हैं। जो ये अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, इसके अंदर क्या आपको फ्रंट में भी डिस्क मिल जाएगा, पीछे भी डिस्क मिल जाएगा, आगे वाले वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आते हैं, और जो पीछे वाले डिस्क ब्रेक आते हैं वो सॉलिड इसके अंदर भी मिलते हैं। 215/60/R16 के जो हैं इसके अंदर आपको टायर मिलेंगे, और व्हील कवर से जो है इनके रिम के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अर्बन क्रूजर हाई राइडर हो या फिर ग्रैंड विटारा हो, दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम से ही आपको जो है इनके ऊपर व्हील कवर्स देखने को मिलेंगे। और जो गाड़ी की है वो कुछ इस तरह की मिलती है, सिर्फ दो ही स्विचेज इसके ऊपर मिलते हैं लॉक एंड अनलॉक का, दोनों ही की इस तरह की आती है, और टोयोटा का लोगो इसमें पीछे की तरफ मिलता है। कोई रूफ रेल्स जो है गाड़ी में नहीं मिलती है, शार्क फिन का एंटीना मिल जाता है, क्रोम वगैरह गाड़ी के अंदर में कहीं भी यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। जो गाड़ी की टेल लैंप दी गई है वो आपको LED में मिलती है। जैसे आपने ग्रैंड विटारा में देखा होगा ना, उसमें क्या आती है पूरी यूँ कनेक्टिंग वाली आती है, बट इस हाई राइडर में कनेक्टिंग वाली नहीं है, सिर्फ यहाँ साइड में ही दे रखी है। अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग दे रखी है, यहाँ पर लिख रखा है नियो ड्राइव। भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन कंपनी ने जो नाम है वही रख रखा है ESGV, इनके आगे नियो ड्राइव भी जो है कंपनी ने एक्स्ट्रा करके लिख रखा है। पीछे की तरफ में सिर्फ आपको डिफोगर मिलेगा, वाइपर नहीं मिलेगा। हाई मम स्टॉप लैंप गाड़ी के अंदर में दिया गया है, पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, और जो कैमरा है वो भी आपको गाड़ी के साथ में मिल जाता है। 373 लीटर का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस आता है, बूट लैंप भी मिल जाता है। सेकंड रो की जो सीट है वो आपको 60-40 स्प्लिट सीटें मिलेंगी, और जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ में, जो कि आपको फुल साइज का स्पेयर व्हील मिलता है। इस साइड में बूट लैंप दिया गया, 12 वोल्ट का सॉकेट भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। अगर इसकी सीट्स को मैं डाउन करके दिखाता हूँ आपको, सीट डाउन करने के बाद भाई आप उसको बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सी फ्लैट फोल्ड हो गई है। बाकी जो आगे से सीट है ना वो इस तरीके से थोड़ी सी उठी हुई है। बाकी आपका लंबा सामान जो है ना गाड़ी के अंदर में काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो गाइस आप किसी भी शोरूम पे चले जाओ, हर एक शोरूम पे क्या है, एक छोटा सा चॉकलेट बॉक्स दे देंगे, और फिर वो है भाई नाराज़ ही होकर चले जाते हैं। मान लो हम भी कोई गाड़ी लेके आ रहे हैं ना, तो एक छोटा सा बॉक्स दे दिए तो उसमें मज़े से नहीं आते। बट आप टोयोटा से इस शोरूम से गाड़ी परचेज करते हो ना, तो आपको देखो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एक तो यहाँ पर वाइन की बोतल मिलती है, और ग्लास भी जो है साथ मिल जाते हैं, काफ़ी प्रीमियम सी है। और एक ये आपको गिफ्ट टेम्पर मिलता है, काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई है। और एक ये गिफ्ट जो है आप लोगों को मिलता है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर चॉकलेट्स है प्रीमियम वाली, और जैसे देखोगे की चैन जो है इसके साथ में मिल जाता है। तो ये भाई मैंने तो आज तक किसी शोरूम में नहीं देखी, इसी शोरूम में जो मैं देख रहा हूँ। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में। जो ड्राइवर साइड सीट है ना वो आपको हाइट एडजस्टेबल वाली मिल जाती है, और फैब्रिक की इसके अंदर सीट अपहोल्स्ट्री आती है, और बकेट फिटिंग वगैरह तो गाड़ी के अंदर में काफ़ी अच्छी से मिल जाती है। यहाँ पे देखोगे जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ मिल जाता है। ORVM कंट्रोल है यहाँ पे, जो आपको फैब्रिक का यूज़ मिल जाएगा। नीचे इस गाड़ी के अंदर क्या, सिर्फ 4 स्पीकर मिलेंगे, ऊपर की तरफ जो ट्विटर्स हैं वो नहीं आएंगे। इस सुपर जो वेरिएंट आएगा ना वहाँ पे आपको ट्विटर्स भी जो है मिल जाएंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच जो यहाँ पे दिया हुआ है, लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल दे रखा है, और यहाँ पे देखोगे तो इसका हुड खोलने के लिए एंड इसकी जो है फ्यूल लीड खोलने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। अब इस टूटू को बंद करने के लिए गाड़ी को मैंने बंद करना पड़ेगा। जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील दिया गया ना वो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ में मिल जाता है। इस साइड मिल जाएगा आपको म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल, इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, ऑटो हेडलैम्प्स या फिर फ्यूल लेवल इज लो प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली, ये चीज़ भी बोलती है। इस साइड में आपको
इस साइड में जो है आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे, जो इसका टैकोमीटर है और जो स्पीडोमीटर है दोनों चीज़ें एनालॉग में दी गई है। बीच में इसमें कलरफुल की MID मिल जाएगी जिसकी आप इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से शो कर सकते हैं। ये देखो ये इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर में शो करता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले बिल्कुल सेम मारुति वाली ही इस गाड़ी के अंदर में मिलेगी, सब कुछ ही मारुति वाला से ही मिलेगा। बाकी जो ये पहली ऐसी गाड़ी है कि जो मारुति मतलब टोयोटा की तरफ से आई है। रिस्पॉन्स भाई इसका बताऊँ कैसा सा मिलता है, ठीक ठाक सा जो है इसके अंदर में आपको रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से आने लग जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दे रखा है और इसके आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ का USB क्लीन से दे रखा है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है। यहाँ पे स्पेसिंग है, आर्म रेस्ट भी जो गाड़ी के अंदर मिल जाता है जो कि स्लाइडिंग वाला आता है। तो पोजिशन भाई इस गाड़ी की काफ़ी ठीक है इसके आर्म रेस्ट की, और इसके अंदर स्पेसिंग भाई ओके से मिलती है। दो ग्लास होल्डर गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। गियर नॉब देखने में कुछ इस तरीके का मिलता है। जो इसके IRVM है वो आपको मैनुअल वाले मिलते हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब साथ में जो है रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर जो है मिल जाता है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी जो आपको मिरर मिल जाता है। बट यहाँ पे कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता, टिकट होल्डर क्या आप यहीं पे जो है इसमें फंसा सकते हैं। बाकी टिकट होल्डर ना आते तो भी ठीक है, कोई इतना यूज़ नहीं करता है। इस गाड़ी में अगर कम्फर्ट की बात की जाए ना, पहले मैं सीट को पूरा ऊपर करता हूँ। सीट मैंने पूरी ऊपर कर लिया है, उसके बाद ये डैशबोर्ड वाला पार्ट तो नीचे हो गया, बट जो इसका बोनेट वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा ऊपर से लगता है। बाकी जैसे देखो ना इस बोनेट के नीचे से जो आपको पूरा सीन सा आ जाता है। ठीक है भाई, विजिबिलिटी वगैरह में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साइड प्लास्टिक भी पूरा नीचे से है, यहाँ से ठीक हो जाएगा। अंडर थाई स्पॉट ओके से मिलती है। बकेट फिटिंग बढ़िया है, रेकलाइन एंगल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और जो गाड़ी के अंदर लेग रूम वगैरह है ना वो भी बिल्कुल ठीक सा मिल जाता है। अब इसकी सेकेंड रूम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई है इसके एस वेरियंट में। जैसे देखोगे ना, फर्स्ट रो की जो ड्राइवर साइड सीट थी मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, तो गाड़ी के अंदर में जो नी रूम है, लेग रूम है, काफ़ी बेहतरीन से है। और यहाँ पीछे की तरफ में आपको एयर के वेंट मिल जाते हैं। दो सॉकेट दे रखे, एक तो USB दे रखे और एक सी टाइप सॉकेट दे रखे हैं। और पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखने में। अंडर थाई स्पॉट अच्छी नहीं है, और रेकलाइन एंगल जो है ना इसको आप टू वे में जो है एडजस्ट कर सकते हैं। टू वे में एडजस्ट हो गया, और तीन इसके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। बीच में आर्मरेस्ट मिल जाते हैं दो ग्लास होल्डर के साथ में। तीन जने का अगर टेस्ट देखना चाहते हो ना इस गाड़ी के अंदर कैसे बैठते हैं, तो वो भी मैंने अपने वीडियो में बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर लास्ट में ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है हेलोजन बल्ब के साथ में इसमें रीडिंग लैंप्स भी मिल जाती है। अंडर थाई स्पॉट बेटर हो सकती थी, रेक्लाइनिंग एंगल गाड़ी का ओके सा ही मिलता है। ये गाड़ी ना आपको दो इंजन के साथ मिल जाएगी, एक तो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आएगा, अलग इंजन आएगा 1490 वाला, और इस वेरिएंट के अंदर लगा हुआ है 1462 cc वाला इंजन। दोनों ही 1.5 लीटर के हैं। जो ये गाड़ी है ना 118 bhp और 136.8 nm का टॉर्क जो है ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। हुड खोलता हूँ भाई, ये इंजन देखो, इसके ऊपर कोई कवरिंग प्रोवाइड नहीं है, वही स्पेसिंग दे रखी जैसे कि मारुति में आती है। और यहाँ पे इंसुलेशन भी जो है प्रोवाइड हो जाती है 21 KMPL समथिंग, इतना ही है अप्रॉक्स बता रहा हूँ जो माइलेज है कंपनी से क्लेम करती है। बाकी आप पे डिपेंड करेगा किस तरीके से और कहाँ पे जो है आप गाड़ी को चला रहे हो। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।